मंत्री शांतनु ठाकुर ने रविवार को कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि देश भर में 7 दिनों के अंदर नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। ठाकुर दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ही नहीं देश भर में अगले 7 दिनों के अंदर CAA लागू हो जाएगा। ठाकुर बनीगांव से भाजपा के सांसद है। ठाकुर के दावे पर राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने फिर दोहराया कि राज्य में CAA किसी हाल में लागू नहीं होगा। तृणमूल के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल घोष ने भाजपा व केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही है। इससे पहले कोलकाता में पिछले साल दिसंबर में एक रैली के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि CAA को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और तुष्टिकरण के मुद्दों पर ममता बनर्जी को घेरा था। उन्होंने लोगों से ममता सरकार को बंगाल से हटाने और 2026 लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनने का आग्रह किया था। शाह के बयान पर ममता ने कहा था वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं। पहले नागरिकता कार्ड जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब केवल राजनीति के लिए छीन लिया गया। वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं, वे इसे किसी को देना चाहते हैं और दूसरों को इससे वंचित करना चाहते हैं। यदि किसी समुदाय को नागरिकता मिल रही है तो दूसरों को भी मिलना चाहिए।